चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू कॉपर वायर 1 मिलीमीटर डायमीटर इज 1.1 एम्पियर, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अच्छा डेंसिटी दिया हुआ है, एंड एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर 63 ग्राम है। 63 ग्राम तो ये तो मोलर मास हो गया, ठीक है 63, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है तो उसका मोलर मास 63 ग्राम हो गया। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाई ईच एटम, तो अगर नंबर ऑफ एटम निकालने तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, और हमें क्या दिया हुआ है, करंट की वैल्यू दी हुई है, डायमीटर दिया, डायमीटर है ये, करंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, NEAVD ये होता है। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तो करंट अपॉन NEA निकाल लिया जाए यहाँ से, तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सबको पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, या प्रोटॉन का चार्ज कहो या इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहो, सेम एक ही होता है। अच्छा, करंट की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.1 एम्पियर, ठीक है, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो डायमीटर दिया है 1 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 0.5 mm हो जाएगा। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻³ मीटर हो जाएगा, सही है। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा, पाई इंटू 0.5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली ये आएगा 0.25 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ये एरिया की बात हो गई, सही है, एरिया की बात हो गई। तो एरिया निकल हो जाएगा, करंट की वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n चाहिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अगर चाहिए तो सबसे पहले ये बताओ कि ये सारे डेटा दिए हुए हैं, मोलर मास दिया हुआ है हमको, डेंसिटी दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, n/NA होता है, इज इक्वल टू m/M। कैपिटल M क्या है, मोलर मास है, ये मास है, ये मोलर मास है, ये नंबर ऑफ एटम है, ये नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल हो गया, तो ये म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल, ये याद रखना, म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। ये डेटा हम अभी यूज करेंगे, तो सबसे पहले स्मॉल n अगर चाहिए तो स्मॉल n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एटम निकाल लें, तो जितने एटम होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन वो प्रोवाइड करेगा, खैर है ना, ईच एटम प्रोवाइड 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये लाइन याद रखना। तो हम एटम के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, जितना एटम आएगा पर यूनिट वॉल्यूम उतना ही इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होगा, तो स्मॉल ये कैपिटल एन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो अगर मैं यहाँ से इस फॉर्मूले में म्यू इज इक्वल टू n/NA, ये NA से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू μ × NA होगा, μ × NA होगा, μ × NA डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब म्यू की वैल्यू आप लिख सकते हो क्या, म्यू की वैल्यू हम m/M भी तो लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के लिए अगर म्यू की वैल्यू m/M यूज किया जाए, into NA/वॉल्यूम यूज किया जाए, ये m/V क्या होगा, डेंसिटी होगा, ये होगा डेंसिटी, डेंसिटी को आप रो से डिनोट कर सकते हो, NA/मोलर मास, ये कैपिटल M क्या है, मोलर मास है, तो डेंसिटी दिया हुआ है, ये तो हम जानते हैं 6.03 × 10³³, ये होता है मोलर मास, 63 ग्राम दिया, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, एन इज इक्वल टू जो रो NA/M दिया है, तो ये मोलर मास ऑलरेडी दिया हुआ है कैपिटल M, 63 ग्राम दिया हुआ है, हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 63 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है, ये हो गया। और डेंसिटी जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं, डेंसिटी 9 ग्राम, ग्राम यानी 10⁻³ किलोग्राम हो गया, और सेंटीमीटर क्यूब का क्या होता है, 10⁻⁶ मीटर क्यूब हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 9 × 10⁻⁶, ये +6 हो जाएगा, -3 पहले से है तो +3 आएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब,
तो डेंसिटी आपने एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर ली। तो इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी वैल्यू पुट कर दो यहां पर। एनए की वैल्यू क्या होती है? एनए की वैल्यू होती है कितनी? 6.023 × 10²³। ये हो गया। अब मोलर मास दिया हुआ है, ग्राम में था, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब वैल्यू पुट करते हैं, एन इज इक्वल टू कितना आएगा? 9 × 10³ इंटू एन ए की वैल्यू 6.023 × 10²³ डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास किलोग्राम में, 63 × 10²-3। ये हो गया एन की वैल्यू। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व कर लें। चलो सॉल्व कर लेते हैं एन, क्योंकि हमको फाइनली यहाँ रखना भी तो है। ठीक है, एन की वैल्यू 9 × 6.023 / 63 × 10²³ है, ये 3 है, 26 होगा, ये ऊपर जाएगा 29, ये 29 आ गया। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा? 9 × 6.23 × ये तो हो गया 56 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 63.89 आ रहा है। कितना आ रहा है? एन की वैल्यू आ रही है 0.89 × 10²29, ये आ रहा है एन की वैल्यू। अब ये एन की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो वी डी इज इक्वल टू क्या है? वी डी इज इक्वल टू आई, आई की वैल्यू 1.1 एम्पियर, 1.1 एम्पियर डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू 0.89 × 10²29 इंटू ई की वैल्यू 1.6 × 10²-19 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई थी? पाई इंटू, इसको नेक्स्ट लाइन में करें क्या? इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, थोड़ा सा ये हॉच पॉच हो जाएगा। तो इसको फिर से नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्या है वैल्यू फिर से एक बार देख लो। वी डी इज इक्वल टू 1.1, वी डी इज इक्वल टू 1.1 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू कितनी आई थी? 0.89 ना, 0.89 इंटू 10², कितनी थी? 10²29 इंटू ई की वैल्यू 1.6 × 10²-19 इंटू ए, एरिया की वैल्यू कितनी थी? पाई इंटू 0.25 इंटू 10², कितना था? 10²-6। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, 0.89 इंटू 1.6 इंटू पाई की मीन्स 3.14 इंटू 0.25, ठीक है, और ये 10²-29 ऊपर गया, ये 10²-19 है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, -19 होगा, ऊपर जाएगा +19, ये ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा। सही लिख रहे हैं ना, कुछ गलत तो नहीं लिख रहे हैं? ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये 29 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, 1.1 नीचे वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। देखो सबसे पहले 0.89 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, ये आ रहा है 1.11784, ये आ रहा है इंटू 10²। ये कितना हो जाएगा? ये 25 हो रहा है, ये माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड कर देते हैं, ये 1 के आसपास आएगा, 10²-4 मीटर पर सेकंड के आसपास आ रहा है। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, 10²-4 के आसपास कुछ आ रहा है? -4, हाँ ये आ रहा है -4, ठीक है। क्यों, वजह क्या है इसकी? देखो 10²-4 मीटर पर सेकंड है, तो अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -1 मिलीमीटर,
पर सेकंड हो जाएगा, माइनस वन मिलीमीटर कितना होता है 0.1 mm पर सेकंड, ये हो गया टोटल वेलोसिटी 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड। तो यही ऑप्शन अप्रोप्रिएट है हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।